धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMCH के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया है। बकाया वेतन की मांग को लेकर डॉक्टर्स पेन डाउन हड़ताल पर हैं और मांग पूरी न होने पर डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देंगे। एक सप्ताह तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इमरजेंसी सेवा को भी बंद करने की चेतावनी दी गई है। इस हड़ताल में 33 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। बता दें कि इन डॉक्टर्स को 3 महीने से ज्यादा का वेतन अब तक नहीं मिला है। कारण ये है कि हमें सैलरी नहीं दिया जा रहा है। 5 महीना से आप सैलरी नहीं दे रहे हैं। हम लोग रिपीटेड नोटिस दिए हैं, रिपीटेड हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं सर से कि हाँ सर सैलरी को रेगुलराइज किया जाए, पर नहीं हो रहा है वो। तो हम लोग को लास्ट में हार मानकर हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। हमें भी स्ट्राइक करना अच्छी बात नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते, पर हम लोग रिपीटेडली बोल चुके हैं, रिपीटेडली हम लोग, लेकिन हमें सैलरी नहीं दिया जा रहा है। 5 महीना, आज 5 महीना, 5th month है ये, पिछले चार महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं। हम लोग को जो है वो अभी कुछ जो SR हैं, ठीक है, उनको जो है वो जुलाई मंथ से भी सैलरी नहीं मिली है, और कुछ जो SR हैं तो उनको जो है वो विगत 2 महीनों ढाई महीनों से जो है वो सैलरी नहीं मिली है। तो हम लोग जो है वो यही चाहते हैं कि हम लोग की मांग को जो है वो पूरी की जाए। लगभग कितने लोग सीनियर रेसिडेंट? और लगभग जो है वो 30 जो है हम लोग सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर।